तो भाई कल नेटफ्लिक्स पे आई एक नई मूवी विद टाइटल दो पत्ती, स्टारिंग कृति सैनन, काजल, शहीर शीख एज अ मेन लीड। इस मूवी में कृति सैनन ने डबल रोल किया है। ये मूवी एक थ्रिलर फिल्म है। आइए करते हैं इस मूवी का रिव्यू और देखते हैं कि मूवी कैसी है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिने एक्सपीरियंस। यहाँ हम नई नई मूवीज के रिव्यूज करते रहते हैं। आई थिंक कृति सैनन ने पहली बार डबल रोल किया है किसी मूवी में, और भाई क्या एक्टिंग करी है बंदी ने। मूवी के अंदर जो इन्होंने दोनों रोल्स किए हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं। जहाँ एक भोली और बेचारी बहन है और दूसरी ओर बोल्ड और फियरलेस है। वहीं शहीर शेख की एक्टिंग भी कमाल की थी। मैंने बंदे को महाभारत के बाद इस मूवी में देखा। क्या एक्टिंग करी, कब खुश होता है कब सैड बिल्कुल पता ही नहीं लगने देता। एकदम से करेक्टर स्विच कर लेता है बंदा, पूरे करेक्टर में आया था। और क्या अपनी छाप छोड़ के गया मूवी के अंदर, ये आपको इस मूवी के दौरान देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें काजोल जी की एक्टिंग की, तो मुझे वो थोड़ी सी इस बार एवरेज सी लगी। नो डाउट एक्टिंग बहुत अच्छी करती हैं, हम सब जानते हैं, पर इस मूवी में जब भी वो स्क्रीन पर आती हैं, अपने डायलॉग्स बोलती हैं, आपका जो मूवी के साथ कनेक्शन बना होता है वो टूट सा जाता है। चलो बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। दो बहनें जिनकी माँ बचपन में गुजर गई थी, और दोनों बहनें एक दूसरे की दुश्मन बन गई और अपनी अपनी जिंदगी जी रही हैं। एक सौम्या, दूसरी शैली। अब सौम्या को एक लड़का पसंद आता है, वहीं शैली उसकी जिंदगी में दोबारा आती है उसकी जिंदगी को नरक बनाने के लिए। दोनों बहनें एक दूसरे से हारना नहीं चाहती, और मूवी के अंदर आपको ट्विस्ट पे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। और मूवी एंड में डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर एक अच्छा मैसेज भी डिलीवर करती है। लेकिन जब आप इतने सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर एक मूवी बना रहे हो और उसको थ्रिलर बता के पेश कर रहे हो, तो मूवी की प्रेजेंटेशन अच्छी और स्टोरी टाइट होनी चाहिए। लेकिन मूवी का स्क्रीन प्ले काफी वीक महसूस होता है। कई सीन्स ऐसे ही अननेसेसरी डाले गए हैं। थ्रिलर के नाम पर बस टाइम पास करवाती है ये मूवी। बाकी इस मूवी के अंदर गालियां भी हैं और थोड़े बहुत बोल्ड सीन्स भी, तो गलती से अपनी फैमिली के साथ बैठकर इस मूवी को मत देखना, ऑकवर्ड हो जाओगे, पहले ही बता रहा हूँ। ये था इस मूवी का रिव्यू। अगर आपको थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो एक बार इस मूवी को जरूर देख सकते हो। मैं दूंगा इस मूवी को 3 out of 5 stars। मिलता रहूंगा नई नई मूवीज के रिव्यूज के साथ। डू सब्सक्राइब माई चैनल सिने एक्सप्लेन्स। धन्यवाद।